कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की क्लास। तो देख लेते हैं, दूध सफ़ेद रंग का एक तरह चिकनाईयुक्त पदार्थ है जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन आदि पदार्थ घुले रहते हैं, इसलिए दूध को आदर्श भोज पदार्थ कहा जाता है। दूध शिशु अवस्था के बालकों के लिए संपूर्ण आहार होता है। माँ व गाय के दूध में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है और भैंस के दूध में सबसे कम होती है। केसीन नामक प्रोटीन दूध के रूप में पाया जाता है। दूध में मुख्य रूप से लैक्टोज नामक शर्करा होती है। इन सभी तत्वों में से कैल्शियम फास्फोरस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस धातु वस्तु की वृद्धि और विकास और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। दूध से निर्मित कई भोज पदार्थ हमारे भोजन में प्रयोग किए जाते हैं। घी, क्रीम, पनीर, दही, मट्ठा, खोया, मक्खन। मक्खन के प्रमुख घटकों के रूप में 80% वसा होती है, 17% आपकी जल, 2% आपका खनिज लवण, 7% अन्य पदार्थ होते हैं। जब दूध में उपस्थित प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थ अम्ल या बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण दूध जम जाता है तो इससे बने पदार्थ को हम दही कहते हैं। पाश्चुरीकरण में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। शरीर में दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। दूध को उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।